नमस्कार, रुद्रा क्लासेज पांडे में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के इस क्लास में एनसीईआरटी का दूसरा लेसन है वैद्युत विभव, चाहे स्थिर वैद्युत विभव कह सकते हैं, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, सेकंड लेसन एनसीईआरटी का पढ़ाना है। तो एनसीईआरटी का पहला टॉपिक सेकंड लेसन का होगा वैद्युत विभव का। पहला टॉपिक हमारा क्या है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वैद्युत विभव। वैद्युत विभव हमें पढ़ना है। तो वैद्युत विभव के लिए जानेंगे हम। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपने पढ़ा है कि जैसे आपके घर में गैस का सिलेंडर हो, एलपीजी गैस हो, तो गैस सिलेंडर यानी गैस कैसे निकलती है या किस प्रकार से फैलती है, कभी इस पर विचार किया? या दूसरा पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए जैसे कि यदि घर में घर के ऊपर पानी की टंकी रखी हो, तो पानी की टंकी में एक छिद्र कर दिया जाए तो वह पानी किधर से निकलेगा? वो पानी टंकी से निकलने के बाद छत पे और दीवार के माध्यम से कहाँ आएगा? पृथ्वी पर आएगा। तो पृथ्वी पर आने का मतलब ये हुआ कि छत का जो गुरुत्वीय विभव है वो गुरुत्वीय विभव के कारण होता है। तो जो छत का गुरुत्वीय विभव है हमारा वो ज़्यादा है और पृथ्वी का गुरुत्वीय विभव कम है, इसीलिए पानी छत से नीचे पृथ्वी पर चला आता है। वही कारण एलपीजी गैस में भी है कि गैस के अंदर का जो गुरुत्वीय विभव है वो अधिक है और हमारे बाहर का गुरुत्वीय विभव क्या है, कम है। तो इस कारण से एलपीजी गैस सिलेंडर से बाहर निकलती है। ठीक, वही प्रक्रिया हम वैद्युत विभव में देखेंगे। देखिए, सेकंड लेसन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव देखिए क्या है। वैद्युत विभव का मतलब हो जाएगा, जैसे सबसे पहले मानिए एक वैद्युत क्षेत्र है हमारा। वैद्युत क्षेत्र के बारे में फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हो, हमने बताया है वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा किसी आवेश के कारण बना रहता है। वैद्युत विभव के बारे में, वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताए हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो हम मान लेते हैं ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इस पर कोई आवेश होगा तभी ये वैद्युत क्षेत्र बना है। अब अनंत दूरी पर, कहाँ पर? अनंत पर वैद्युत क्षेत्र हटाया जाए। अनंत पर जो है हम एक आवेश को मान लेते हैं, मान लीजिए क्यू नॉट आवेश यहाँ पर रखा है, अनंत दूरी पर रखा है, और इस आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाएं। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र हमारा पूरा है, अब इस क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले आया जाए, चाहे यहाँ ले आए, चाहे यहाँ ले आए, चाहे यहाँ ले आए, हमें लाना वैद्युत क्षेत्र में है। ठीक, तो इस विभव, इस आवेश को हमें वैद्युत क्षेत्र में लाना होगा। अब लाने, वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा। जब तक हम कार्य नहीं करेंगे यह आवेश वैद्युत क्षेत्र के भीतर नहीं आएगा। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी, अनंत दूरी पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को, इसी पर हम परीक्षण कर रहे हैं इसलिए इसको कहा जाएगा परीक्षण आवेश। अनंत दूरी पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। किस बिंदु पर? जिस बिंदु पर हम लाए हैं, चाहे इस बिंदु पर लाए हों, चाहे इस बिंदु पर लाए हों, इसी बिंदु पर क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। बात समझ में आई? इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, फिर नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव हेडिंग पड़ेगी और उसके बाद उसमें लिखेंगे कि अनंत दूरी पर स्थित, अनंत दूरी पर स्थित किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को
एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। फिर से सुन लेंगे डेफिनेशन एक बार। अनंत दूरी पर किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। जैसे देखिए इसकी इसका फार्मूला होगा, वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव क्या होगा हमारा, इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। बराबर V बराबर होगा W अपान क्यू नॉट। ये क्या है, वैद्युत विभव का फार्मूला है। ठीक, अब देखिए चीज ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा परीक्षण आवेश है, चाहे हम प्लस लें या माइनस लें, अगर हमने माइनस परीक्षण आवेश ले लिया माइनस क्यू नॉट का, तो हमारा ये जो विभव होगा ये निगेटिव हो जाएगा। यानी आवेश कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक, तो जब ये निगेटिव है तो विभव भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव का मतलब होगा विभव ऋणात्मक कब होगा हमारा, इसका मतलब है कि आवेश जो है वो ऋणात्मक है। जब आवेश ऋणात्मक है तो विभव भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो डेफिनेशन क्लियर हुई कि अनंत दूरी पर स्थित किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अब इसका देखिए मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा W क्या है, कार्य है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। Q क्या है, आवेश है, तो इसका मात्रक होगा जूल प्रति कूलम, या इसी को हम कहते हैं वोल्ट। जूल प्रति कूलम या वोल्ट इसका मात्रक होगा। और इसकी बीमा क्या होगी, देखिए बीमा देखेंगे इसके हम। इसकी बीमा होगी जैसे W क्या है, वर्क है, कार्य है। कार्य की बीमा होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू अपान क्यू आवेश है, आवेश की बीमा होती है ए टी। तो इसकी बीमा हम जब निकालेंगे तो इसकी बीमा हमारी आएगी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री ए इनवर्स। ये वैद्युत विभव की बीमा होगी। ठीक, और ध्यान दीजिए नीचे लिखेंगे कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। देखिए अदिश राशि कैसे होगी वैद्युत विभव, क्योंकि यहां पर हमने लिखा है V इक्वल W अपान क्यू जीरो। तो W क्या है, कार्य है, कार्य भी एक अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। जब कार्य अदिश राशि है और आवेश कैसी राशि है, आवेश भी अदिश राशि है। जब कार्य भी अदिश राशि है, आवेश भी अदिश राशि है, तो विभव हमारा कैसा होगा, अदिश होगा। बात समझ में आई, तो इसको नोट कर लेंगे, इसको कॉपी करिए। वैद्युत विभव का मात्रक बीमा, और इसका वैद्युत विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। इसको रफ करें, इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे हम। हाँ कॉपी कर लिए इसको ना। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक आपका है वैद्युत विभव के बाद है विभवांतर। वैद्युत विभवांतर या विभवांतर, ध्यान दीजिए विभवांतर क्या है।
ठीक है। विभवांतर को देखेंगे, जैसे माना जाए ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र। देखिए इधर देखिए, ये वैद्युत क्षेत्र है हमारा ना, तो वैद्युत क्षेत्र में अभी हमने बताया वैद्युत विभव में क्या किया था, वैद्युत विभव में किया गया था हाँ देखिए, वैद्युत विभव में हमने बताया कि वैद्युत विभव में अनंत दूरी पर, वैद्युत क्षेत्र के बाहर हमारा आवेश था अनंत दूरी पर, उसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाया गया। और विभवांतर में क्या है कि विभवांतर में होगा कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही स्थित होगा आवेश। मान लीजिए हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इसके भीतर ही कोई आवेश ले लेते हैं क्यू नॉट, वैद्युत क्षेत्र में ही। और ये मान लीजिए कहाँ पर स्थित है, ए बिंदु पर स्थित है। किस बिंदु पर स्थित है, ए बिंदु पर स्थित है। अब इसको बिंदु ए से कहाँ तक लाया जाए, बिंदु बी तक लाया जाए इस आवेश को। तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखेंगे या लाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। तो सेम वही डिफिनेशन यहाँ पर भी हुई, उसमें बताए थे अनंत दूरी पर, यहाँ क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। बात समझ में आ गई जी। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उस बिंदु पर वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसकी डिफिनेशन नोट करेंगे, हेडिंग डालिएगा वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में उसमें नोट करेंगे हम वैद्युत विभवांतर में। वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका फार्मूला देखिए, हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी बराबर डब्लू अपान क्यू जीरो, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्लू अपान क्यू जीरो। नोट कर लिए, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, वी ए का मतलब हुआ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया वही क्या है, वैद्युत विभवांतर। ठीक, अब देखिए अगर विभवांतर का मात्रक पूछेंगे तो इसका भी मात्रक वही होगा जूल प्रति कूलम या वोल्ट। इसकी भी बीमा क्या होगी, जो हमने विभव की बीमा लिखाई। ठीक, तो बीमा और मात्रक दोनों सेम होगा, केवल डिफिनीशन में थोड़ा चेंजिंग है। डिफिनेशन में चेंजिंग ये है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे थे। देखिए अब इसके बाद अगली टॉपिक आपकी है एक वोल्ट। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है आपसे कि एक वोल्ट की डिफिनीशन क्या है, एक वोल्ट किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिए, एक वोल्ट आएगा कहाँ से, एक वोल्ट का डिफिनेशन देखिए हम यहाँ से बनाते हैं। जब किसी
परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम लाएं और जो कार्य करना पड़े वो एक जूल प्रति कूलाम का कार्य हो। कितना कार्य करना पड़े? एक जूल प्रति कूलाम कार्य करना पड़े तब वहां पर क्या हो जाएगा? एक वोल्ट। तब उसे क्या कहते हैं? एक वोल्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई? एक वोल्ट हेडिंग डालेंगे, उसके बाद उसमें लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु में से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य एक जूल प्रति कूलाम हो तो उन दोनों के बीच, किसके बीच? उन दोनों के, उन दोनों बिंदुओं ए और बी, ठीक है, तो उन दोनों के बीच विभवांतर, तो उन दोनों के बीच विभवांतर एक वोल्ट होगा। तो उन दोनों के बीच विभवांतर एक वोल्ट होगा। इतना नोट कर लिए। अब देखिए इसके बाद का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है, जैसे फर्स्ट लेसन में याद करिएगा, फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण किसी, लिख लेंगे यहाँ पे, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखे थे ना, और यहां पर क्या हो जाएगा? वैद्युत विभव। यहां क्या होगा? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। और जैसे हमने पिछले लेसन में निकाली थी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेम वही प्रोसेस, वही कंडीशन यहां पर भी हमें करनी है। हमें यहां क्या निकालना है? विभव निकालना है। यहाँ हम तीव्रता की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ किसकी बात हो रही है? विभव की। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? विभव निकालेंगे। सारे रूल वही हैं जो हमने कहाँ लगाया था? फर्स्ट लेसन में, तीव्रता वाले लेसन में जो रूल लगाए थे वही रूल हमें इस लेसन में भी, इस टॉपिक पर भी करना है, ठीक है। तो इसका अगला वीडियो कल फिर हम आपको बताएंगे, अगले टॉपिक पर फिर हम कल आएंगे। इसके पहले यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो अच्छा लगता है, दोस्तों को शेयर करते हैं, तो फिर ये जो हमारी मेहनत है, हमें और मेहनत करने में मज़ा आता है, रुचि लगती है कि हम और अच्छी मेहनत करें जिससे आप लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान दे सकें। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।